मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWT News 24। आज की खबरों की शुरुआत हम करने वाले हैं बॉलीवुड से। जी हां, बॉलीवुड में चारों तरफ कहीं शादियां तो कहीं बच्चे हो रहे हैं। इसी के बीच सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबर सामने आई है, तो पिता शत्रुघ्न सिन्हा का रिएक्शन सामने आया है। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने उन्हें अभी तक शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बेटी की शादी को लेकर अभी तक मुझे बस उतना ही पता है जितना मीडिया में मैंने पढ़ा है। मेरी अभी सोनाक्षी से इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनके रिएक्शन से तो यही पता लग रहा है। आपने ये भी कहा कि आज बच्चे पूछते नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं। एक्टर ने आगे कहा कि सोनाक्षी जब भी मुझसे इस बारे में बात करेगी तो मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। हम चाहते हैं कि वो हमेशा दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिले। सोनाक्षी काफी वक्त से अपने फ्रेंड और कोच जहीर इकबाल को डेट कर रही हैं। 23 जून को मुंबई में अपने पार्टनर और बॉलीवुड एक्टर जहीर इकबाल से शादी करने जा रही हैं। शादी में कपल के फैमिली मेंबर्स और कलीग फ्रेंड्स ही शामिल होंगे। ये सेलिब्रेशन मुंबई के बेस्टल में हो रहा है। इस रेस्टोरेंट के ओनर शिल्पा सेठी हैं। सुबह शादी और शाम को रिसेप्शन। एक रिपोर्ट के माने तो सोनाक्षी की शादी के इवेंट का ड्रेस भी सामने आ गया है। 22 जून से इनके शादी की तैयारियां हो जाएंगी और 23 जून को इनकी शादी सुबह होगी और शाम को रिसेप्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप ही हमें बताएं कि सोनाक्षी सिन्हा अपनी शादी को इतना गुप्त क्यों रख रही हैं। हमारी इसी तरह की बॉलीवुड खबरों के लिए देखते रहिए TWT News 24। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी 23 जून को हो रही है, ये बात सच्ची है या फिर अफवाह।